हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का अभ्यास 7.3 का कुछ सवाल है, भारतीय सवाल दिया हुआ है, उसको हल करके बताऊंगा। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। पिछले वीडियो में आप लोगों का अभ्यास 7.2 जो था वो क्या था, घटाना घटाइए, उसी पे आधारित, उसी पे आप लोगों का यह 7.3 है। यह इबारती में दिया हुआ है। इस इबारती में जैसे हमने आप लोगों को पीछे बता चुके हैं कि इबारती सवाल जो भी होता है उसको ध्यान से हम पढ़ते हैं, उसके बाद उसको हल करते हैं। तो अभ्यास 7.3 का पहला जो सवाल आपका दे रहा है, संख्या 589 से कितनी बड़ी है, मतलब यह पहली संख्या जो दिया है इससे जो दूसरी संख्या जो दिया है से कितनी बड़ी है। तो इसको क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे इसको, बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटाएंगे तो पता चलेगा कि इस संख्या से, इसी संख्या से ना पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए 589 से, मतलब इस संख्या से कितनी बड़ी है, कौन सी संख्या है यह। तो इसमें से इस संख्या को जब हम घटाएंगे तब हमें पता चल जाएगा कि कितना वो उससे बड़ा है। तो यहाँ पे जब इसको हम हल करेंगे तो सीधे जैसे हम यहाँ 999 -589 इसको घटा देंगे, जब घटाएंगे तो आप 9 से 9 जाएगा, कितना बचेगा, कुछ नहीं, 0, 9 से 8 गया 1, 9 से 5 गया 4। ये जो 410 हमारा आया है यह क्या हुआ कि 589 में से 589 से 410, मतलब यह संख्या इतने से यह बड़ी है, कितना, 999। अब जो है यह आपका उत्तर होगा कितना, 410। अगर हमें इसको हल करना है, देखना है क्या यह सही है क्या गलत है, रफ कार के लिए आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारा ये 589 है और इस 410 को हम इसमें प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर 999 आ जाता है तो हमारा यह क्या है, सही है। ये आपका जोड़ेंगे तो 9, 8, 1, 9, 5, 9। इसका मतलब जो यह 410 है ये हमारा आंसर, उत्तर जो है ये सही है। दूसरी चीज, यहाँ पे संख्या 999 संख्या 589 से कितना, 410 बड़ी है, इससे बड़ी है 410। अब आपका पांचवा नंबर पे है, दूसरा तीसरा जो है आप उसको स्वयं हल करिएगा। जो भी है पांचवा नंबर का सवाल है उसको हम बताते हैं, ध्यान से देखिए। एक मुर्गी खाने में 3540 मुर्गियाँ थीं, कितनी थी, 3540। किसी कारणवश 220 मुर्गियाँ मर गईं, क्या हुई, मर गईं, कितना, 220। कितनी मुर्गियाँ शेष बची, कुल कितनी थी, 3540, कितना मर गई, 220। पूछ रहा है कि कितनी बची, तो जितना कुल मुर्गियाँ थी उसमें से मरी हुई जो मुर्गियाँ हैं, जो संख्या है वह घटाएंगे तभी ना हमें पता चलेगा कि कितनी मुर्गियाँ शेष बची हैं। तो उसी तरह से यहाँ हल करेंगे जब आप, तो 3540 -220, 0 हो गया, या 4 में से 2 गया 2 हो गया, 5 में से 2 गया 3 हो गया, यह कितना हो, 3 हो गया। यह 3320 क्या हुआ, उतनी मुर्गियां बची हैं कहाँ पे, मुर्गी खाने में। तो आप उत्तर लिख सकते हैं, तीन हजार 320 मुर्गियां
शेष बची है। तो इस तरह से आप इसको हल करेंगे। इसमें का एक और सवाल मैं आप लोगों को हल करके बता रहा हूं। अगला आपका 11 नंबर पे सवाल दिया है, एक परीक्षा में 8,892 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, यदि उनमें 5,324 लड़के हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से कुल कितने विद्यार्थी थे, 8,892 टोटल, उसमें से 5,324 लड़के थे, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो कुल संख्या में से हम लड़कों की संख्या जब घटाएंगे जो अंतर आएगा वह क्या हो जाएगा, वही लड़कियों की संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे ऐसे 8,892 माइनस 5,324 यह 12 में से 4 जाएगा नहीं, हासिल लेगा 12 हो गया, सॉरी 2 में से 4 जाएगा नहीं, हासिल लेगा 12 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 8। यहाँ कितना बचा है 8, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6, यहाँ 8 पूरा है, 8 में से 3 गया 5, 8 में से 5 गया 3। तो यह 3,568 जो हमारा आया है यह क्या हो गया, लड़कियों की, हाँ लड़कियों की संख्या। आप उत्तर में लिख सकते हैं लड़कियों की संख्या बराबर 3,568, संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का अभ्यास 4.3 का जो इबारती सवाल है इसमें से मैंने 3 सवाल आप लोगों को हल करके बताया है। सेम इसी तरीके से जो भी बचे हुए सवाल हैं वो आप लोग ध्यानपूर्वक उसको हल कर लीजिएगा। जो भी बचा हुआ सवाल है वो सब घटाना है, एक दूसरे से घटाना है, ध्यान से पढ़ के किस संख्या से किसको घटाना है ये ध्यान दीजिएगा और घटा के उत्तर लिख दीजिएगा। अब अगला आपका का है 7.4। अब इसमें देखिए कुछ इस तरह से आप लोगों के किताब में सवाल दिया हुआ है। पहला है मान ज्ञात कीजिए, इसमें ए है 395 माइनस 200 प्लस 5,543। देखिए इसमें जोड़ भी है और घटाना भी है। तो इसमें एक नियम होता है, हम आप लोगों को कविता के अनुसार बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। काको पहले काटिए तो पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ के ऋण को दियो घटाए। तो यहाँ पे इसमें आप न काटना है न भाग है न गुणा है, इस चैप्टर में जो आपका सवाल दिया हुआ है इसमें काटने वाला भी नहीं है, भाग भी नहीं है, गुणा भी नहीं है, छोड़िए उनको, इसमें जोड़ और घटाना है, जोड़ और घटाना। इसमें सबसे पहले हम क्या हल करेंगे, जोड़ वाला, जोड़ का जो संख्या रहेगा उसको हल करेंगे, उसके बाद जो घटाना रहेगा उसको घटाएंगे। सबसे पहले जोड़ते हैं उसके बाद घटाते हैं। इसमें एक चीज और होता है, यहाँ पे हम रफ कार में बता रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। जैसे मान लीजिए धन और गुणे धन बराबर क्या होता है, धन मतलब जोड़ का चीज, माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, धन होता है। फिर देखिए धन गुणे माइनस बराबर माइनस होता है, और माइनस गुड़े धन बराबर माइनस होता है। ये चीज आप लोगों को नोट कर लीजिएगा और याद होना चाहिए कि धन का धन होता है, माइनस माइनस का प्लस होता है, और धन माइनस का माइनस होता है, और माइनस और प्लस का माइनस होता है। अगर आप लोगों को ध्यान रहेगा तब जाके इस तरह के सवाल आप लोग हल कर पाएंगे। दूसरी चीज इसमें इस तरह के सवाल जो भी दिए होते हैं उसमें पहला जो पूर्ण संख्या रहता है, पहली जो संख्या रहती है, जैसे यहाँ पे देखिए ये मैं आप लोगों को दिया 395, इसके आगे कोई चिन्ह है,
इसके आगे चिन्ह है, यहाँ पे भी चिन्ह है, लेकिन इसके आगे चिन्ह नहीं है। अगर इस तरह का कोई भी सवाल है तो इसके आगे हम क्या मानते हैं, क्या मानेंगे, प्लस, प्लस माना जाता है उसको, कि इसके आगे प्लस होता है। ये जो 395 है इसके आगे प्लस, यहाँ पे कोई भी संख्या रहे, जैसे मान लीजिए हम अगला आपकी किताब से नोट किए हैं डी नंबर पे, डी का सवाल दिया है 5729 माइनस 500 माइनस 400 प्लस 1020। अब यहाँ 5729 है इसके आगे देखिए भी कोई चिन्ह नहीं है, ना प्लस का ना माइनस का, तो यहाँ पे क्या हम मानेंगे, प्लस मानते हैं, क्या मानेंगे, प्लस, ये हम मानते हैं कि इसके आगे प्लस होगा, पूर्ण संख्या हुआ तो पूर्ण संख्या के आगे प्लस होता है। तो इस तरह के इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और इसी आधार पे अब आप लोगों का यह जो सवाल है, इस तरह का जो भी सवाल रहेगा वो हल होगा। इसको जब हल करेंगे, अब देखिए यहां पे 395 माइनस 200 प्लस 5543, तो प्लस में देखिए यहां पे 395, यहां जैसे 5543 है, इसको नोट करिए 5543 प्लस, इसके आगे है ना, तो प्लस प्लस का प्लस होता है, हमने बताया था ये जुड़ेगा इसमें, यह 395 ठीक। अब क्या होगा, माइनस, ये माइनस के बाद क्या चला, 200, ये 200 हो गया। अब इसको आगे हल करिए, अब इसको जोड़ लेंगे हम, 5 और 3 कितना होगा 8, 9 4 कितना होगा 13, और 5 3 8 और 81 9, अब यहाँ पे यह 5938 कितना, 5938। अब माइनस कितना घटाना है 200, अब घटा दीजिए, घटाएंगे तो आपका यह 8 3 7 5, 5738 यही आ रहा है, 5738 ये आपका आंसर होगा। दोबारा देखिए बता रहे हैं, हम पहले भी पीछे बताए हैं, इस तरह के सवाल में जो पहला संख्या होता है, यहाँ पे कोई भी चाहे 10 रहे, 20 रहे, 200 रहे, 400 रहे, 500 रहे, कितना हो भी रहे, अगर यहाँ पे कोई भी संख्या है तो उसके आगे हम क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं, धन मानते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। अब हल करने में जैसे हमने बताया कि पहले इसको क्या करेंगे, इसमें पहले जोड़ते हैं, जो भी इसमें जितना जोड़ रहेगा पहले जोड़ लेंगे, उसके बाद घटाएंगे। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए इसके आगे प्लस है तो 5545, और इसके आगे प्लस है तो इसको और इसको दोनों संख्या को हम आपस में पहले जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद इसके आगे माइनस है तो इसको माइनस करके 200 घटाएंगे, मतलब जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा उसमें से ये माइनस दे रहा है कि उसमें से 200 घटाइए, तो यहाँ माइनस हमने 200 तो हल किए हैं उसी आधार पर, 5543 प्लस 395 माइनस 200, तो 5938 आया है जोड़ने पे, माइनस 200, फिर 5738 क्या हुआ, घटाने के बाद आया है, यही हमारा आंसर होगा, ये हमारा उत्तर होगा। इसी तरह से आप बी सी भी है उसको हल करिएगा। अब इसमें का हम आपका डी जो है सवाल यहाँ नोट किए हैं, इसको हल करके बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए 5729 माइनस 500 माइनस 400 प्लस 1020, क्या दिया है, प्लस 1020। तो सबसे पहले अभी हमने आपको बताया है प्लस प्लस का हम जोड़ लेते हैं, ठीक, तो 5000 जैसे मान लीजिए 5000 ये है, चलो पहले वही नोट कर लीजिए, 1020 प्लस 5000, हल में यहाँ हम लिखेंगे, सॉरी हल, 1020 प्लस 5729 ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, अभी हमने इसको बताया जब माइनस माइनस का रहता है दो संख्याओं का, तो यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या होगा, प्लस होगा। तो जब प्लस होगा इसका तो 5 और 4 मतलब 500 सॉरी 500 और 400 कितना हो जाएगा, 900, इसको जोड़ देंगे आपस में, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसलिए यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। इसका जब हम
गुणा करते हैं प्लस करते हैं तो प्लस हो जाता है, ये प्लस होगा तो इसको आपस में हम जोड़ देंगे। इस तरह का कोई भी अगर रहेगा आपके सवाल में, तो अगर सामने माइनस है, अभी हमने पीछे बताया है, तो उसको हम प्लस मानते हैं, जोड़ते हैं, तब इसका हो जाएगा। अब माइनस यहाँ चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस, और यह जुटेगा, कितना हो जाएगा 900, ठीक। आज समझ में, दोबारा देखिए, यहां पे 1020 प्लस 5729 माइनस, माइनस का चिन्ह है, यहां पे भी माइनस का चिन्ह है, तो पहले माइनस माइनस है, इसलिए यह आपस में जुटेगा, तो जोड़ेंगे कितना है होगा 900, यहां माइनस का चिन्ह पहले है, जोड़ में से माइनस को घटाना है जितना होगा, तो हम माइनस का यहां चिन्ह लगाए, ये 900 हो गया। अब इसी आधार फिर आगे, अब इसको आपस में हम जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ेंगे आपका 9 हो गया, 2 2 4 ये 7 5 1 6, 6749 माइनस कितना 900। अब आगे फिर, अब इतने में से 900 को घटाना है, तो ये आपका 9 हो गया, 4 हो गया, अब ये 17 है, 7 है, 7 में से 9 जाएगा ना, यहाँ से लेगा 17, 17 में से 9 तो कितना होगा 8, यहाँ कितना बचा 5, ये आपका 5849 यही आंसर होगा, कितना 5849। तो हम आपको आशा करते हैं, आपसे आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, अगर न समझ में आया होगा तो इसको ध्यान से दोबारा तिबारा आप इस वीडियो को देखिएगा, अगर उसके बावजूद नहीं आएगा तो आप हमसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। अब इसका अगला दूसरा दिया आप लोगों का इस चैप्टर में, निम्नलिखित को हल कीजिए, जिसमें ए कोष्टक में दिया है आपका 678 प्लस 900, फिर बंद है, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर कोष्टक 100 प्लस 200 फिर बंद है। तो इसको हम क्या करते हैं, कोष्टक के अंदर का जो सवाल है पहले हल करेंगे, अगर बाहर कोई संख्या रहती है तो उसको बाद में, पहले कोष्टक के अंदर के सवाल को जो भी दिया होता है माइनस गुणा जो भी रहता है उसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हम हल कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, अब 678 प्लस 900, ठीक, एक कोष्टक है, इसको ऐसे करके 678 जोड़ लेंगे आपस में, जोड़ेंगे तो या तो लिख लीजिए, जैसे पूरा लिख लीजिए यहाँ पे 678 प्लस 900, या तो जोड़ लीजिए, ऐसे ही जोड़ लीजिए, जल्दी हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं, जब जोड़ेंगे आप तो अगला आपका दिया है, निम्नलिखित को हल कीजिए, दूसरा जो सवाल है किताब में आप लोगों के चैप्टर में, इसमें ए, अब देखिए क्वेश्चन बना के दिया हुआ है, इसमें यह ए है और यह डी नंबर का सवाल है, डी पे दिया है डी, तो पहले ए को हल करते हैं, बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में 678 प्लस 900 क्वेश्चन बंद है, फिर माइनस क्वेश्चन 100 प्लस 200 क्वेश्चन बंद है। तो इसको जब हल करेंगे आप, तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर की जो भी संख्या जो भी गुणा भाग रहता है उसको हल करते हैं, उसके बाद फिर बाहर का जो रहता है उसको उसमें जो भी करना होता है, चाहे गुणा चाहे भाग जो भी रहेगा उसको करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है, इसको आपस में पहले जोड़ लेंगे, जब इसको आपस में जोड़ेंगे ये आपका 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और 9 6 कितना हो जाएगा 15, ये 1578। अब माइनस, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, अब यह क्या 100 प्लस 200 कितना हो जाएगा 300, ठीक। अब 1578 में से 300, 1578 में से 300 घटा देंगे, जब घटाएंगे आप तो 8 7, फिर उसके बाद 5 में से 3 गया 2 और यह 1,
1278, यह क्या है, यही आंसर आएगा आपका, कितना 1278। अब आपका अगला जो है डी जो है, उसी तरह से जैसे अभी हमने पीछे हल किया है, आप लोग इसको भी हल करिएगा और हल करके बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। 4592 माइनस 1000 प्लस 5549, तो पहले इसको हम क्या करेंगे, कोष्टक में है, क्या करेंगे पहले इसको, हम पहले इसको हल करेंगे, क्या करेंगे पहले इसको हल करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 4592 में से एक घटाएंगे, 1000 घटाएंगे, ये आपका आएगा 3592, यही ना आएगा। फिर अब दे रहा है प्लस, प्लस का चिन्ह लगाइए, 5549, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे अभी हमने पीछे आप लोगों को बताया है कि सबसे पहले जोड़ते हैं तब घटाते हैं, लेकिन अगर कोष्टक में सवाल अगर इस तरह से छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक जो भी दिया रहेगा अगर इस तरह से दिया हुआ है तो पहले हम इसके अंदर का जो रहता है उसको हल करते हैं, उसके बाद बाहर का। तो यहाँ पे अब इस तरह हो गया, अब इसको हम जोड़ेंगे, हम जोड़िए 9 2 11 और 9 4 कितना हो जाएगा 13 1 14 1 5 5 10 1 11 1 5 3 8 1 9 ये आपका 9141 यही आंसर आ रहा है, कितना 9141। तो सबसे पहले हम कोष्टक का हल करेंगे, उसके बाद बाहर का जो भी रहेगा उसको हल करेंगे। इस तरह से आप लोगों का ये दूसरा हुआ। अगला 3 नंबर पे आप लोगों को दिया है 3759 तथा 2439 व 4239 के योग का अंतर ज्ञात कीजिए। अब जो ये तीसरा है इबारती सवाल है, अब इसमें देखिए ध्यान से, इबारती का पीछे भी हमने बता चुका हूँ कि इबारती सवाल जो भी होता है उसको हम लोग ध्यान से पहले पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्या पूछ रहा है, उसके बाद उसको हल करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 3759 तथा ये क्या है, तथा 2439 व 4239 के योग का अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2439 व 4239 2439 व 4239 के योग का अंतर, अब इन दोनों का 2439 व 4239 का योग का, अब इन दोनों को जोड़ना है, योग योग मतलब जोड़ना होता है, पता है आप लोगों को, योग का अंतर ज्ञात कीजिए किस संख्या से, इस वाले संख्या से। यहाँ पे तथा लिखा है 3759 तथा 2439 व 4239 के योग का अंतर, तो सबसे पहले हम 2439 और 4239 को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें से 3759 को घटाएंगे तब वह क्या पता चलेगा हमें, अंतर ज्ञात होगा। तो जब हल करेंगे आप, तो 2439 प्लस 4239 को जोड़ेंगे, अब जोड़ते हैं 9 9 18 1 3 3 6 1 7 4 2 6 4 2 6 ये आया आपका 6678, कितना आया 6678। अब इसमें से 3759 को क्या करेंगे, घटाएंगे, अब घटाएंगे जब 6678 माइनस 3759, ये 8 जाएगा नहीं, 18 18 में से 9 गया 9, यहाँ कितना बचा है 6 6 में से 5 गया 1, यहाँ कितना
छः, छः में से सात जाएगा नहीं, इससे हासिल लेगा सोलह, सोलह में से सात कितना हो जाएगा नौ, ठीक। और यहाँ कितना बचा पाँच, पाँच में से तीन गया दो, ये आया कितना 2919, कितना 2919। यह क्या हुआ 2919, यह अंतर हुआ किसके 3759 तथा 2439 और 4239 के योग, इन दोनों के योग का इससे इस संख्या से यह 2919 क्या है अंतर। तो उत्तर में लिख देंगे दो हजार नौ सौ उन्नीस का अंतर है। ठीक, अब जैसे अभी हमने बताया है इबारती सवाल को जब तक आप ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा कि पूछ क्या रहा है। हम इसमें पहले जोड़ना है कि घटाना है, तो किस संख्या से किसको जोड़ना है, किस संख्या को किसको घटाना है, ये हम नहीं समझ पाएंगे। जब तक उसको ध्यान से हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले इबारती को सवाल को आराम से ध्यान से पढ़िए क्या पूछ रहा है, उसके बाद उसको हल करेंगे हो जाएगा। अब इसमें अगला हम आपको सात नंबर पे एक सवाल दिया है, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 4244 को घटाइए तथा फिर उसमें 4826 को जोड़िए, उसको जोड़ना है। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है। तो इसमें पीछे बताया भी गया है आपको, तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। इसमें एक चीज और हम आपको बता देते हैं, एक अंक में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है नौ, कितनी होती है नौ। तो जब बड़ी संख्या आपसे पूछा जाए, चाहे दो अंक का, तीन अंक का, जैसे पांच अंक का कोई पूछ लिया, पांच अंक का सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो वहां पे आप कुछ मत करिए, ऐसे नौ नौ पांच बार नोट करिए, कितने बार पांच बार, एक दो तीन चार पांच, या पांच बार, कितने बार जब पूछ रहा है, कोई छह अंक का पूछ रहा है तो छह तो नौ नौ आप लिख दीजिए। तो उसी तरह से यहाँ पे ये आपका पांच अंक में कोई पूछता है तो हमने पांच ये नौ नौ लिख दिया। अब ये आपका हो जाएगा 99999। पांच अंक में सबसे बड़ी संख्या जो होती है 99999। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, नोट कर सकते हैं कहीं भी। तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये 9999 है। अब दे रहा है कि बड़ी संख्या में से 4244 को घटाइए, अब इसमें से कितना घटाना है 4244। चलिए घटाते हैं, 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 4 गया 5, कितना आया 5755, 5755। अब दे रहा है कि में से ये हो गया घटाइए तथा फिर उसमें 4826 जोड़िए। अब इसमें जो हो रहा है 5755 दे रहा है उसमें, अब ध्यान दीजिएगा यही कंफ्यूज कर रहा है यह सवाल, यहाँ पे 4244 को घटाइए तथा फिर उसमें 4826 को जोड़िए, उसमें मतलब किसमें, कहीं ऐसा नहीं ना इस बड़ी संख्या में, नहीं, यहां घटाने के बाद देखिए सीधे लिखा को घटाइए तथा फिर उसी में जो भी आया उसमें 4826 को जोड़िए। अब जो आपका इसमें आया है इसमें 5755 धन 4826 इसमें जुटेगा यह। चलिए जोड़ते हैं, 5 और 6 11, 1 5 2 7 1 8, 7 7 14 1 15 के 5, 1 बचा 5 4 9 1 10, कितना आया
10,581 ये आपका आंसर होगा इस सात का। तो इसी तरह से इसमें और भी सवाल है, आप लोग उसको स्वयं हल कर लीजिएगा। आशा करते हैं आप लोगों को जो भी अभी बताया गया है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होता है तो दो बार तीन बार इसको देखिएगा, उसके बावजूद अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं।